नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं G9 न्यूज की खास पेशकश खबरें फटाफट। चलिए जानते हैं आज के दिन के कुछ मुख्य समाचार। कोरोना से मिली बड़ी राहत, एक हफ्ते बाद कोरोना के नए केस 40,000 से नीचे, बीते 24 घंटे में 219 मरीजों ने गवाई जान। एक बड़ी खुशखबरी, 8 सितंबर से नेशनल हाईवे पर मिलिट्री विमान की लैंडिंग, देश का पहला रनवे बने बाड़मेर की सड़क। तालिबान का दावा, फहीम दश्ती के बाद नॉर्दर्न अलायंस के चीफ कमांडर की भी मौत, पंजशीर भी फतह। हिमाचल के किन्नौर में नेशनल हाईवे पर ज्यूरी के पास भूस्खलन, यातायात हुआ प्रभावित। दिल्ली में हुई बरसात, राजधानी पर मेहरबान रहेगा मॉनसून, 9 सितंबर तक बारिश के आसार। आगरा में आज टीका उत्सव, आधार कार्ड दिखाओ टीका लगवाओ, आज 1,00,000 लोगों को लगेगा कोरोना का टीका। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में बच्चों के टेस्ट, लिखित और मौखिक परीक्षा पर पाबंदी। मथुरा में डेंगू का प्रकोप, वृंदावन के अस्पताल में बुजुर्ग महिला की मौत, 13 नए मरीज मिले। राधाष्टमी 2021 के मौके पर बरसाना के राधा रानी मंदिर में बिना मास्क नहीं मिलेगा प्रवेश, गाइडलाइन हो गई जारी। किसानों में दिखी परिवर्तन की आग, कहा वोट की चोट से मोदी योगी को करेंगे सत्ता से बाहर, मोर्चा नेताओं ने खूब सुनाई खरी खोटी। तो ये थी आज की खबरें फटाफट, ऐसी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए G9 न्यूज के साथ। नमस्कार।